सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध संग्रह प्रबंध पद्म से निबंध साहित्य और भाषा, वाचनकर्ता अमित पांडे। भाषा क्लिष्टता से संबंध रखने वाले प्रश्न हिंदी की तरह अपर भाषाओं में नहीं उठते। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले या बनाने वाले लोग साल में 13 बार आर्तचीत्कार करते हैं, भाषा सरल होनी चाहिए जिससे आबाल वृद्ध समझ सकें। मैंने आज तक किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए जिससे अनेक शब्दों का लोगों को ज्ञान हो, जनता क्रमशः ऊंचे सोपान पर चढ़े। हिंदी की सरलता के संबंध में बकवास करने वाले लोगों में अधिकांश को मैंने देखा, लिखते बहुत हैं, जानते बहुत थोड़ा हैं। कम से कम हिंदी से तो उनका ताल्लुक स्कूल से जब से छूटा ही रहा, फिर हिंदी की विशेष शिक्षा प्राप्त करने की उन्हें जरूरत नहीं मालूम दी। जरूरत रही दूसरों को सिखलाने की। साधारण जनों का पक्ष लेकर वे बराबर अपने अज्ञान पर मिट्टी डालते रहे। एक सवाल राष्ट्रभाषा द्वारा हिंदू मुस्लिम ऐक्य का उठता है, इसके लिए भी हिंदी को भरसक असंस्कृत करने की जरूरत बतलाई जाती है, जैसे मुसलमानों में राष्ट्रभाषा का सिक्का जम गया हो और वे क्रमशः हिंदी साहित्य के उदार उदर में प्रवेश कर रहे हों। हिंदुस्तानी एकेडमी के पदवीधर पदाधिकारियों की ऐसी ही राय है। वे लोग स्वयं कुछ हिंदी जानते हैं या नहीं यह मत पूछिए, इसकी जांच व्यर्थ है, उनकी राय सुन लीजिए। ऐसी भावना से प्रेरित हो कुछ कवियों ने कलम के कुल्हाड़े से, राष्ट्रभाषा की लकड़ी से काव्य के कुछ चैले चीरे भी हैं, जिनके मुकाबले शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे बहुत सरस है। कुछ हो, राष्ट्रभाषा का वह काव्य सरल तो है, लोग आसानी से समझ तो लेते हैं। यथार्थ साहित्य नेताओं के दिमाग के नपे तुले विचारों की तरह, आय व्यय की संख्या की तरह प्रकोष्ठों में बंद होकर नहीं निकलता। वह किसी उद्देश्य की पुष्टि के लिए नहीं आता, वह स्वयं सृष्टि है, इसीलिए उसका फैलाव इतना है जो किसी सीमा में नहीं आता। ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का यथार्थ कल्याण हुआ है। जब कुछ खास आदमियों के कल्याण की बात सोची जाएगी, तब कुछ खास आदमियों का अकल्याण भी साथ साथ होगा। यह अनुलंघ्य दर्शन है। इसीलिए वृहत साहित्य यानी ऊंचे भावों से भरा हुआ साहित्य कभी देश काल या संख्या में नहीं रहा, और उसी से देश काल और संख्या का अब तक यथार्थ कल्याण हुआ है। उन प्राचीन बड़े बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही। 16 आने में 4 आने जनता के लायक रहना साहित्य का ही स्वभाव है, क्योंकि सब तरह की अभिव्यक्तियां साहित्य में होती हैं। तुलसीकृत रामायण का हमारे यहां सब पुस्तकों से ज्यादा प्रचार है। दूसरी किताब समाप्त होने से पहले ही लड़कियां सुंदरकांड खोलकर जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमान हृदय अति भाए पढ़ने लगती हैं। इसके मानी यह नहीं कि तुलसीदास जी ने बड़ी सीधी भाषा में रामायण या अपने दूसरे ग्रंथ लिखे हैं। रामायण कहीं कहीं जहां जैसे कठिन भाव आए हैं, इतनी मुश्किल है कि अच्छे अच्छे विद्वानों के छक्के छूट जाते हैं।
इसके अलावा साद्यंत रामायण सालंकार है, यह सब साधारण लोग समझ सकते हैं। यह किसी साहित्यिक नेता के सिवा यथार्थ अनुभवी विद्वान कभी न कहेगा। रामायण के प्रचार का कारण रामचरित है, जिसका हजारों वर्ष पहले से अनेकानेक रामायणों तथा कथाओं द्वारा प्रचार होता आया है। संस्कार यहाँ के लोगों के ऐसे ही बन गए हैं। क्लिष्टता के बारे में यही हाल सूरदास जी की कविता का भी है, वे भी कम मुश्किल नहीं, अलंकारों के सिवा एक कदम नहीं उठाते। अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमल पर गजवर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग, यह सब साधारण जनों की समझ में आने लायक काव्य नहीं। कबीर तो अपनी विशेषता में और मुश्किल हैं, पंडित न होते हुए भी अलंकार लिखते हैं। केशव अपनी क्लिष्टता के लिए काफी बदनाम है। ये चार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी की ठेठ देहाती बगैर टीका देखे मैं अब भी नहीं समझ पाता। उर्दू के गालिब मुश्किल लिखने के लिए काफी बदनाम थे, पर वही उसके सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। शेक्सपियर के गीतों के भाव गहन, भाषा तदनुकूल है, शैली की भाषा और भी लच्छेदार। रविंद्रनाथ भी इसके लिए कम बदनाम नहीं थे, वह मुश्किल आसान दोनों तरह की भाषा लिखते हैं, पर भाव साधारण जन नहीं समझ सकते। एक बार चरका प्रबंध में उन्होंने महात्मा जी पर जो आक्षेप किया था, उसकी दिल्लगी तथा पेचीदे भाव पर महात्मा जी ने अपने लोगों को समेट कर समझाया था कि तुम लोग उसका अर्थ कुछ का कुछ समझ लोगे। अर्थात महात्मा जी के लोग इतने पुष्ट विचारों के हैं। फिर नेतृत्व का एक संस्कार भी होता है, जो चेतन को जड़ और समझदार को मूर्ख मानता है। अस्तु, बड़े बड़े साहित्यिकों ने प्रकृति के अनुकूल ही भाषा लिखी है। कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी कठिन हो गई है। जो मनुष्य जितना गहरा है, वह भाव तथा भाषा की उतनी ही गंभीरता तक पैठ सकता है और पैठता है। साहित्य में भावों की उच्चता का ही विचार रखना चाहिए। भाषा भावों की अनुगामिनी है। जनता को तरह तरह की अहित कर अनुकूल सीख न देकर कुछ परिश्रम करने के लिए ही कहना ठीक होगा। जिनको संधि समास का भी ज्ञान नहीं, ऊंचे साहित्य की सृष्टि उनके लिए नहीं। न वर्ड्स इन वन सिलेबल, असमस्त शब्दों की किताबें लिखने से राष्ट्रभाषा का उद्धार हुआ जाता है। जो लोग समय को देखते हुए अपनी पुस्तकों या पत्रों के प्रचार के लिए उनमें साधारण भाषा और सरल भावों के रखने का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसा व्यवसाय की दृष्टि से करते हैं। यह हिंदी का हित न हुआ, हित तो गहन शिक्षा द्वारा ही होगा। हिंदू मुस्लिम एक के लिए ललित शब्दावली की टांग तोड़कर लंगड़ी कर देने से लड़खड़ाती हुई भाषा अपनी प्रगति में पीछे ही रहेगी। हमारा यह अभिप्राय भी नहीं कि भाषा मुश्किल लिखी जाए, नहीं, उसका प्रभाव भावों के अनुकूल ही रहना चाहिए। आप निकली हुई और गढ़ी हुई भाषा छिपती नहीं। भावानुसारिणी कुछ मुश्किल होने पर भी भाषा समझ में आ जाती है, उसके लिए कोश देखने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हिंदी के लिए कहा जाता है कि वह अधिक संख्यक लोगों की भाषा है, उसी तरह यदि अधिक संख्या उसकी योग्यता को भी मिलेगी
तो योग्यतम की विजय में फिर कोई असंभाव्यता न रह जाएगी। इसके लिए भी भाषा साहित्य में अधिकाधिक प्रसार की आवश्यकता है। जो लोग साधारण भाषा के प्रेमी हैं, उनके लिए साधारण पुस्तकें रहेंगी ही। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तकों की तरह भाषा साहित्य का भी स्तर तैयार रहेगा। प्रायः यह शिकायत होती है कि छायावादी कविताएं समझ में नहीं आती, उनके लिखने वाले भी नहीं समझते न समझा पाते हैं। इस तरह के आक्षेप हिंदी के उत्तरदायी लेखक तथा संपादक गण किया करते हैं। कमजोरी यहीं पर है। हिंदी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छायावादी कविताएं समझते हैं, उन्होंने समर्थन भी किया है। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि छायावाद की कविताएं भाषा साहित्य के विकास के विचार से अधिक विकसित रूप हैं। जहां जहां उन कविताओं में खूबी आ गई है, वहां वहां बहुत अच्छी तरह यह प्रमाण मिल जाता है। जिन स्थानों में धुंधलापन है, भावों का अच्छा प्रकाशन नहीं हुआ, चित्र चमकते हुए नहीं नजर आते, वहां सामयिक दुर्बलता है, जिससे आगे बढ़ने की साहित्य तथा साहित्यिकों को जरूरत है। जो लोग यह कहते हैं कि खड़ी बोली की कुछ प्राचीन काल की कृतियों की तुलना में आधुनिक कविताएं, मेरा मतलब दोनों समय की अच्छी कविताओं से है, नहीं ठहरती, मैं उन्हें अत्युक्ति करते हुए समझता हूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह मेरी नहीं उन्हीं की अल्पज्ञता है। वे साहित्य के साथ अन्याय करते हैं। गैर लोगों को अपने में मिलाने का तरीका भाषा को आसान करना नहीं, न मधुर करना, उसमें व्यापक भाव भरना और उसी के अनुसार चलना है। ब्रज भाषा भाषा साहित्य के विचार से बड़ी मधुर भाषा है। उसके शब्द टूटते हुए इतने मुलायम हो गए हैं जिससे अधिक कोमलता आ ही नहीं सकती। ब्रज भाषा का प्रभाव तमाम आर्यावर्त तथा दक्षिणात्य तक रहा है। बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में उसकी छाप मिलती है। ब्रज भाषा साहित्य के अंग के अपर प्रांत वाले लोग भी अपनी भाषा को ब्रज भाषा की तरह उसी तुलिका से मधुसिक्त कर देते हैं। यही साधना वर्तमान खड़ी बोली के लिए जरूरी है। पहले के अनेक मुसलमान कवि ब्रज भाषा के रंग में रंग गए थे। उनके पद्य हिंदू कवियों के पद्यों से अधिक मधुर हो रहे हैं। यही स्वाभाविक खिंचाव खड़ी बोली की कोमलता तथा व्यापकता में आना चाहिए। अच्छे को अधिकांश लोग अच्छा कहते हैं। यों तूल तकरार वाली बातें तो हैं ही और होती ही रहेंगी। प्रचार का इससे अच्छा उपाय आज तक संसार में दूसरा नहीं हुआ। जितने भी धर्म प्रचारित किए गए, सब अपनी व्यापकता तथा सहृदयता के बल पर फैले। उनकी साधारण युक्तियां मृदुल, जल्द समझ में आने वाली, आलोचनाएं तथा अपर सभ्य अंग वैसे ही गहन, अगाध विद्वत्ता से भरे हुए। हिंदी के लिए एक तरह की आवाज उठाने से अच्छा अनेक तरह का प्रदर्शन है, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होता है। प्रबंध पद्म संग्रह से निबंध साहित्य और भाषा, लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वाचनकर्ता अमित पांडे।